हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको लग रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ, कलर के बाद आज हो रहा है कैरेटिन, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है और यहाँ मुझे माँ आशीर्वाद दे रही है। मैंने उनसे पूछा कलर पसंद आया तो हाँ, तो तुझे अच्छा है तो मुझे भी पसंद है। उसके बाद मैंने ब्यूटिशियंस को बुलाया था यस मैडम ऐप से, तो वो मेरा जो भी पर्सनल क्लीनिंग है और वैक्सिंग वगैरह जो भी थ्रेड वगैरह मैं करवाती हूँ वो सारा कुछ घर पर ही करने वाली थी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रेडी होके लेट गई थी कि मेरा वैक्स हो जाए। उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि अब करवा चौथ आने वाला है तो उसके लिए हमें रेडी होना था। और हर लड़की का होता है ना कि करवा चौथ है तो जितनी वो सुंदर दिख सके वो दिखे। और यहाँ मुझे वैक्स से हो रहा था पेन, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद वैक्स कराया था तो मुझे बहुत ज़ोर से पेन हो रहा था, वो भी मैंने कैप्चर कर लिया। एंड लुक भी अच्छा आ रहा था, हेयर दिखाने थे। और यहाँ रहे ये सारे प्रोडक्ट्स जो मुझे वैक्स के लिए यूज़ हुए, रिका वैक्स, एंड उनका सारा कुछ काम हो गया। यहाँ मार्केट चले गए थे जो मैं शूट नहीं कर पाई, तो वहाँ मैंने ली कुछ चूड़ियाँ अपनी मैचिंग की अभी की भी और दीपावली के लिए भी। तो मैं साथ साथ दीपावली की भी शॉपिंग करते हुए चल रही हूँ। और यहाँ हम जा रहे थे तो रास्ते में सोना और मैं रुक गए मौधापारा पे उसकी दादी के लिए मिठाइयाँ लेने के लिए। और घर पे आई तो फेस मास्क देकर के गए हुए थे मुझे कि रात को आप लगा लीजिएगा 15 मिनट के लिए, तो वो मैं अप्लाई करती हुई कैसे भूत की तरह लग रही हूँ। एंड फाइनली मेरा सारा मेकअप का काम और स्किन केयर वगैरह सारा रूटीन हो चुका है और नेक्स्ट डे ही हमारा करवा चौथ का दिन है। तो आप मिलिए आगे। गैस अभी बज रहा है 2:30 और अभी सब सो रहे हैं, सो के उठेंगे फिर उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे क्या बनाना है, मीठा उठा जो भी, तो बने रही लास्ट तक। एंड गाइस इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। ये सीधा पूजा के टाइम का है और ये मेरा लुक है जो मैं रेडी हो चुकी थी, वो भी आप देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही थी। एंड मेहंदी भी मैंने रात को ही लगा ली थी, आपने देखा होगा मेरे हाथों में मेहंदी थी सडनली दूसरे क्लिप पे, तो वो मैंने रात को लगा ली थी। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना ही भूल गई थी। और ये रहा मेरा लुक, तो आप सब बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। करवा चौथ का उपवास है, चांद के इंतजार में भूख में तड़पते हुए बिस्तर पर पड़ी है। इधर सोना उसकी दादी चांद का इंतजार करते हुए बैठे हैं और ये उपवास रहकर देखो कैसे बिस्तर पे पड़ी है। सोना मजे ले रही है उसका एचना। ओफो, भूख में क्या हाल हो गया है, चांद का इंतजार करते हुए 9 बज रहा है। मौसम खराब होने के वजह से चांद लेट से आ रहा है। करवा चौथ की वजह से हुई एक महिला की मौत, कल की न्यूज में यही छाप रहे पति रेडी हो चुका है, पत्नी रेडी हो चुकी है, बच्चा भी रेडी है, बस अब चांद आए उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर ताकि जल्दी से मैं अपना व्रत खोलूं और कुछ खाऊं। क्या बोले? औरत लोग तो खाना ज्यादा खाने के लिए उपवास रहे। अच्छा, और दिन भर से जो भूखे रह रहे हो नहीं दिख रहा, सोचते ना अच्छे अच्छे पकवान मिलेगा उपवास रह जाते। कोई वैल्यू नहीं है बताओ। एंड फाइनली हम ऊपर आए, पूजा की तैयारी कर रहे थे, चांद का कोई अता पता नहीं था, बदली बहुत थी। गाइस अभी रात के 11 बज रहा है, मैं जब से रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसको रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गई। और अभी हम लोग सब यहाँ पे सारी लेडीज है, सब कोई अपना व्रत खोल रहे इमेजिन करके, क्योंकि चांद नहीं दिख रहा है। रात के 11 बज गए और कितना वेट करेंगे, 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाएगा। तो अभी खोलते हैं, वो ही रिकॉर्ड करती हूँ। अब फाइनली हमने सोचा कि चलो आरती पूजा कर ही लेते हैं, क्योंकि चांद तो निकलने वाला नहीं, बहुत ज़्यादा बदली है इस वजह से। तो बाबू भी चांद को ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं निकला, तो हमने फिर सोचा कि
बाकी लोगों ने जैसे अपना व्रत खोला है इमेजिनेशन करके ध्यान लगा के कि चांद निकल चुका है और फोटोग्राफ्स मोबाइल पे देख के, वैसे हम भी आरती उरती करके जिस तरफ चांद निकलता उस तरफ चांद को पानी चढ़ा के चांद की आरती करके अपना व्रत खोलेंगे। तो मैं फाइनली अभी चांद की आरती कर रही हूँ, इसके बाद मैं चांद को जल चढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं बाबू की आरती करूंगी। सो अभी मेरा आरती चल रहा है एंड बाबू वेट कर रहे कि कब इसकी आरती होगी, तो कब मुझे देखेगी। तो फाइनली मैं इसको कुछ खिला करके खुद भी कुछ खाऊंगा और ड्यूटी जाऊंगा, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी, उनको ड्यूटी जाना था। सो यहाँ वो बाबू मेरे को चांद पे पानी चढ़ाने के लिए जो उनका कलश आता है उस पर पानी डाल के दे रहे हैं। सो अब मैं फाइनली चढ़ा रही हूँ चांद पे पानी। सो गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं उल्टे हाथ से सारा कुछ कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, कैमरा एंगल की वजह से आपको लग रहा है, बाकी मैं सारा कुछ सीधे हाथ से ही यूज़ कर रही हूँ। सो अच्छा, कोई कमेंट ना करे कि उल्टे हाथ से सारा कुछ कर रही है, वो कैमरा एंगल की वजह से ऐसा दिख रहा है। सो यहाँ मेरा चांद का पूजा हो गया है, तो अब मैं फाइनली बाबू की आरती करूँगी और यहाँ मैं अब बाबू की आरती करने वाली हूँ। सो अब हो रही है बाबू की आरती, उसके बाद मैं उनको जो धान का टुकड़ा होता है उससे नज़र उतारूँगी एंड जैसे मुझे आता है, जैसे मैंने जितना देखा है उतना सारा कुछ मैं कर लेती हूँ, बाकी जो भी गलती हो वो माफ़ करेंगी, करवा माता बोलते हैं जो। एंड अब मैं फाइनली चांद को देख के बाबू को देख चुकी हूँ। सो अब वो मुझे पानी पिलाएंगे एंड पानी पिलाने के बाद मेरा व्रत खुलेगा। अब मैं फाइनली कुछ खा सकती हूँ, क्योंकि भूख से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, रात के 11:30 बज चुके थे और मेरा सर भी दुख रहा था। बाबू मेरी फेवरेट मिठाई लेके आए थे चमचम, और उस समय इतनी भूख लग रही थी ना कि वो मिठाई ऐसा लग रहा था कि बहुत पता नहीं कितना स्वादिष्ट है। एंड फिर मैंने फाइनली बाबू को भी खिलाया, उसके बाद मेरा करवा चौथ कंप्लीट हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम नहीं, आज है नेक्स्ट डे, क्योंकि रात को बहुत रात तक के चांद का वेट किए, चांद आया है नहीं बदली की वजह से, तो हम लोग ऐसे ही चांद को ध्यान करके उपवास खोले हैं। उसके बाद रात के 12:00 चांद दिखा और जब तक हम सो गए थे जा करके, एंड बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड आज मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे आपको मेरी हर नई वीडियोज़, हर नई रील्स यूट्यूब पे सबसे पहले मिलेगी। बाय बाय।